हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। तो बच्चों, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अगले वीडियो पर आ गए हैं। और बेटा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था आखिर हेलिक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, सिलेंड्रिकल हेलिक्स। ठीक है बच्चों, आज हम उस हेलिक्स को आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में थोड़ा कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बेटा हम लोग आज सीखेंगे। तो अगर बेटा आपने पुराने वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो बेटा पहले प्लीज़ जा करके आप पुराने वीडियोस पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब वीडियो बेटा उससे बहुत ज़्यादा लिंक होते हैं, है ना। तो बच्चों, हेलिक्स आज हम लोग थोड़ा उसको और आगे सीखेंगे, और आज हम लोग सीखेंगे आखिर सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन कैसे निकाला जाए। देखो बेटा, मैंने बताया था कि हेलिक्स जो है ना वो सिलेंडर की सरफेस पे बनता है, और सिलेंडर जो है ना उसका बेस, जैसे कि अगर उसका बेस सर्कल है तो उसको सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे, अगर उसका बेस एलिप्टिकल है तो उसको हम एलिप्टिकल सिलेंडर कहेंगे। तो आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे सर्कुलर हेलिक्स और उसका इक्वेशन। तो बेटा सर्कुलर हेलिक्स क्या होता है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर के सरफेस पे बनता है ना। तो पिछली बार हम लोगों ने हेलिक्स को इन जनरल पढ़ा था, और ऐसे क्वेश्चन इसमें अभी आएंगे जहां पर हो सकता है बेस कुछ भी हो, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर हेलिक्स। सर्कुलर हेलिक्स का मतलब बेटा जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के सरफेस पे बनेगा। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, देखो सर्कुलर का मतलब उसका बेस सर्कल होना चाहिए। देखो जैसे इसको हम सिलेंडर माने तो उसका बेस सर्कल है, और राइट क्यों है, क्योंकि ये जो सर्कुलर है ना इसका जनरेटर जो है ना ये अपने बेस पर परपेंडिकुलर है ना। ये जो लाइन होती है ना, मैंने बताया था इसको बोलते हैं जनरेटर, है ना। जो जनरेटर है ये इसके बेस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। जनरली हम जो सिलेंडर पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, 9th में 10th में, वो सभी के सभी राइट सर्कुलर सिलेंडर ही बेटा होते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की सरफेस पे जो हेलिक्स बनेगा उसको हम सर्कुलर हेलिक्स बोलेंगे, और उसका इक्वेशन हम आज निकालेंगे। देखो बच्चों ध्यान दो, सर्कुलर हेलिक्स का मतलब बेटा क्या हुआ, ए हेलिक्स विच इज ड्रॉन, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ, विच इज ड्रॉन ऑन सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर के सरफेस पे जो हेलिक्स बनेगा उसको हम सर्कुलर हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसका हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, ठीक है, सर्कुलर हेलिक्स। देखो सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा एक्चुअली हेलिक्स जो है ना ये एक प्रकार का कर्व है, कर्व इन स्पेस है ये, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली पूरा टॉपिक वो कर्व इन स्पेस ही पढ़ रहे हैं, है ना। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कर्व इन स्पेस के बारे में ही हमको सब कुछ पढ़ना है। तो बेटा कर्व इन स्पेस भी है क्या, एक प्रकार का सेलिक, मतलब हेलिक्स जो है वो एक टाइप का कर्व इन स्पेस है। तो जब हम कर्व इन स्पेस का इक्वेशन निकालते हैं तो हम हेलिक्स का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अच्छा, कर्व इन स्पेस का इक्वेशन निकालते कैसे, मैंने बताया था कर्व इन स्पेस का इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है, आर इक्वल टू ऐसे होता है कि भाई एक होगा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, फिर एक होगा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, फिर एक होगा कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। ये मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग से कि भाई कर्व इन स्पेस का इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका मतलब जो सर्कुलर हेलिक्स है उसका इक्वेशन भी हमेशा हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे, है ना। आई का कंपोनेंट होगा, जे का कंपोनेंट होगा, के का कंपोनेंट होगा, होंगे ऐसे। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे इसका इक्वेशन, देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सर्कुलर सिलेंडर बना लिया, हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को यहाँ पर बेटा बना लिया, और मान लिया मैंने देखो इस सिलेंडर में, राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये इसका सेंटर है, जो इसका बेस है, बेस का ये सेंटर है, और यहां से जाने वाली ये हमारी वाई एक्सिस है,
और यहां से जाने वाली ये हमारी z एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तीन एक्सिस होती है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हम जानते ही हैं। वही चीज यहां पर हमने मान लिया, इसके बेस को मैंने बेटा यहां पर ओरिजिन मान लिया, मतलब बेस के सेंटर को मैंने ओरिजिन मान लिया। अच्छा अब देखो, मैंने मान लिया कि फॉर एग्जांपल यहां से ये हेलिक्स की स्टार्टिंग है और ये हेलिक्स इसकी सरफेस पे चल करके यहां तक चला गया। ऐसा मैंने मान लिया कि इसकी सरफेस पे चल करके ये हमारा हेलिक्स जो है वो एक पॉइंट फॉर एग्जांपल पी तक आ गया, ऐसे करके। मतलब हेलिक्स ऐसे करके होता ना, ऐसे सिलेंडर के सरफेस पे होगा तो ऐसे करके चलता जाएगा ऊपर। तो मैंने मान लिया कि इसके सरफेस पे ही यहां से हेलिक्स की स्टार्टिंग हुई और वो यहां तक चला गया और ये सब कुछ सिलेंडर के सरफेस पे ही चल रहा है। मतलब ये जो मैंने एपी बनाया, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। जो मैंने एपी बनाया ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये पॉइंट ए है जहां पर ये हेलिक्स की स्टार्टिंग है। एक्स एक्सिस के एक पॉइंट से मैंने हेलिक्स की स्टार्टिंग की है और ये पी पॉइंट तक आ गया है और पी पॉइंट सिलेंडर की सरफेस पे ही है। अच्छा अब देखो बच्चों, ध्यान दो, ये जो हमारा पी पॉइंट है ये एक जनरल पॉइंट है हेलिक्स पर, और इक्वेशन का मतलब ही हो गया कि हम जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें। भाई कर्व इन स्पेस की इक्वेशन का मतलब ही बेटा यही होता है कि हम कर्व पर लाई करने वाले किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में निकालें। आप देखो स्टार्टिंग से मैंने यही बताया आपको, आप देखो स्टार्टिंग के वीडियो देखिए, जो सबसे पहला वीडियो मैंने बताया था वहां पर मैंने यही बताया था कि कर्व इन स्पेस निकालने का मतलब कर्व पर लाई करने वाले किसी भी जनरल पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए और उसको आई कैप, जे कैप, के कैप के नाम में लिख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। अच्छा अब देखो हमने क्या किया, ये जो एपी है ना इसका प्रोजेक्शन लिया, प्रोजेक्शन सरफेस पे, बेस पर प्रोजेक्शन लिया। तो मान लिया ये जो प्रोजेक्शन है ये P1 पॉइंट पर आया, ऐसा मैंने मान लिया कि AP का प्रोजेक्शन इसकी बेस, देखो ये सरफेस पे ही चल रहा है। सोचो आप, इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। मैं कैसे इमेजिन कराऊं, कोई मेरे पास सिलेंडर है कि नहीं है? हाँ है, देखो है, ये है ना मेरा इंक। तो मान लीजिए ये है, तो आपका ये ऐसे जा रहा है। तो जब आप इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो यहाँ कहीं ऐसे आएगा, ये इमेजिन करो, ये लाइन है AP लाइन है, इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो यहाँ आएगा, तो कुछ ऐसे देखो, ये कुछ, ये जो सर्कल है ना बेस वाला सर्कल, इसका एक आर्क बनेगा क्या AP का प्रोजेक्शन, ध्यान दीजिए। तो मैंने AP का प्रोजेक्शन लिया, मान लीजिए ये AP1 है, तो AP1 क्या है, ये है प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ एपी। एपी क्या है, उस हेलिक्स का छोटा सा एक पार्ट है ना। अच्छा अब देखिए, ये जो मैंने बेटा यहाँ पर AP1 निकाला है, अब मैंने क्या किया, ये हमारा मान लीजिए ओरिजिन था, इसको मैंने इससे मिला दिया, और ये जो मैंने मिला दिया है और ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है ना। OP1 का एंगल मैंने एक्स एक्सिस से, OA क्या है बेटा, एक्स एक्सिस है, तो OP1 का एंगल मैंने इस OA से, मतलब एक्स एक्सिस से मान लिया कि ये थीटा है ना। इसको अपनी जगह पर रख देते हैं वापस। अच्छा यहां तक बात हुई। अच्छा अब देखो बच्चों, हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, है ना, हमें P पॉइंट का बेटा कोऑर्डिनेट निकालना होगा। देखो कुछ इस तरीके से यहां पर ये चीजें हैं, इस डायग्राम को देखो, मैं यहां पर दोबारा बनाऊं, अगर देखो कुछ ऐसे बनाऊंगा, ये मान लीजिए O है, ठीक है, और ये अपना A पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए ये कहीं अपना A पॉइंट है, और यहाँ पर कहीं मान लीजिए ये अपना P1 पॉइंट है, और इसके ऊपर ये पॉइंट हमारा P है, इसको इससे मिलाया है ना, और ये एंगल कितना हो रहा है बोलो, थीटा हो रहा है, और यहाँ पर मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। A पॉइंट कहाँ है, इस बेस के सर्कमफेरेंस पर पॉइंट A है। अब मैंने क्या किया, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो ये हमारा n है, ये क्या है हमारा, ये हमारा x एक्सिस है, जिसका ये पॉइंट a था जहां से हेलिक्स की आपने स्टार्टिंग की थी। ये हेलिक्स जो है ये अपना a से लेकर के p तक गया था, और ये भी इसका एक आर्क था ऐसे करके। ये मैंने दोबारा इसको देखो यहाँ पर एक नए सिरे से बना दिया, ये हमारा x एक्सिस है, जो OA मैंने लिया है ना,
ये अपना एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने यहां पर देखो बच्चों लिया है। अच्छा ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। अच्छा एक काम करते हैं, देखो इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। ये वाला एंगल मैंने मान लिया अल्फा। ये अल्फा आखिर क्या है? ये अल्फा है हेलिक्स और ये क्या होगा, ये इसका जनरेटर भी होगा। अगर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सरफेस पे जो कोई भी लाइन है वो कोई भी लाइन सरफेस पे क्या है, सिलेंडर का जनरेटर है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, देखिए कोई भी लाइन अगर आप सरफेस पे लेते हैं तो वो सिलेंडर का जनरेटर है, और जनरेटर जो है वो हमेशा एक्सिस के पैरेलल होगा। किस में? राइट सर्कुलर में। राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो जनरेटर है, जनरेटर का मतलब कोई भी लाइन जो सरफेस पे है वो हमेशा इसकी एक्सिस के पैरेलल होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाई थी बात, है ना। तो हम कह सकते हैं ये क्या है अल्फा। अल्फा क्या है? हेलिक्स और जनरेटर का बीच का एंगल, या ऐसा कह दो कि हेलिक्स पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट और जनरेटर के बीच का एंगल, और ये कांस्टेंट होगा क्योंकि ये हेलिक्स की डेफिनेशन है। मैं समझे, जो अल्फा है ये हेलिक्स और जनरेटर के बीच का एंगल है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्फा टेंजेंट एट हेलिक्स और जनरेटर के बीच का एंगल है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अल्फा टेंजेंट एट हेलिक्स और जनरेटर के बीच का एंगल है, और ये हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि हेलिक्स की डेफिनेशन ही यही होती है कि टेंजेंट एट हेलिक्स एंड जनरेटर के बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट होता है। बात समझे, तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। ये बात मैंने बोल दी, इसको लिख लो बेटा कि अल्फा क्या है, टेंजेंट एंड हेलिक्स एंड जनरेटर के बीच का एंगल है। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों यहां पर पहले ध्यान से। अच्छा अब देखो यहां पर क्या होगा कि ये जो अपना है, ये है अपना एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा वाई एक्सिस, और ये क्या होगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ये होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये होगा अपना जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो अगर हमें इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए है, देखो एक बात ध्यान दो, ये जो बेस है ना, बेस का रेडियस, रेडियस ऑफ बेस मैंने मान लिया ए, है ना। चूंकि बेस जो है ना सर्कल है, तो उस सर्कल का जो रेडियस है मैंने ए मान लिया। ए मानने का मतलब ये जो ओपी वन डिस्टेंस है ये ए हो जाएगा। आप सोचिए ओ क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, ओ से लेकर पी वन तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि पी वन पॉइंट उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है, है ना। और ओ क्या है, सेंटर, और बेस का रेडियस आपने ए मान लिया, तो ओपी वन डिस्टेंस अपना ए हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान दो, अगर हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो P का जो X कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ON distance, है ना। ON distance ये होगा P का X कोऑर्डिनेट, और Y कोऑर्डिनेट होगा NP1 distance, और इसका Z कोऑर्डिनेट होगा PP1 distance। तो अगर हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे भाई, देखो ये डिस्टेंस X के लॉन्ग है, ये Y के लॉन्ग है, ये Z के लॉन्ग है, यही होता x एक्सिस बाय एक्सिस जेड एक्सिस में 3D, 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 3D। फिर भी अगर 3D में x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस या x y प्लेन y z प्लेन x z प्लेन, इसमें थोड़ा भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो 12 क्लास के मेरे वीडियो पर जाइए, वहां पर 3D का पहला लेक्चर आप पढ़ लीजिए। वो लेक्चर मैंने जमीन पर बैठ करके बहुत ध्यान से अच्छे से समझा करके बनाया है, तो आपके 3D के दुनिया के सारे कन्फ्यूजन निकल जाएंगे। अगर आप 3D में जरा भी कंफ्यूज होते हैं कि x एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है, z एक्सिस क्या है, x y प्लेन क्या होता है, ऑक्टेंट क्या होता है, कितने ऑक्टेंट होते हैं, कितने प्लेन होते हैं, क्योंकि 3D में इमेजिनेशन चाहिए होता है थोड़ा सा, तो अगर आप मेरा क्लास 12 के 3D पर जाइए, वहां पर पहला लेक्चर आप देख लीजिए, जमीन पर बैठकर मैंने समझाया है, तो आपको उसके हमेशा के लिए 3D के सारे कन्फ्यूजन आपके बेटा दूर हो जाएंगे। एक बार आप जाके पढ़िए, तो बस पढ़ना शुरू करिए, आपको सब कुछ आएगा। मन लगाइए, दिल लगाइए, पढ़ाई में दिल लगाइए, मैथ से प्यार करिए, है ना। अगर आपको प्यार ढूंढना है तो कहीं इधर उधर ना ढूंढ करके मैथ में ही प्यार ढूंढिए, ठीक है। मैथ से ही दिल लगा लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा लाइफ में, आगे आप बढ़ जाएंगे, है ना। सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैथ क्या है बेटा, नेचर है। नेचर का मतलब ऊपर वाला भगवान। मैथ ही नेचर है और नेचर ही ऊपर वाला है। चलो खैर, ये तो खैर फिलोसफी की बातें हैं यार, मतलब ठीक है, बात समझे ना। तो खैर ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट होगा। अब देखो इनको हम निकालेंगे, देखो ध्यान दो,
ये डिस्टेंस हमारा ए है, ए, और ये थीटा है, तो ओ एन क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा ए कॉस थीटा, भाई समझो, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बेस का मतलब ओ एन, हाइपोटेनियस का मतलब ओ पी वन, तो ओ एन आ जाएगा। ये क्या है, ये अपना ए है, ओ पी वन की वैल्यू कितनी है, ए है, और देखिए एन पी वन क्या होगा, एन पी वन हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा है ना, ये एन पी वन क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो समझिए ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ गया, अब हमें पी पी वन निकालना है। देखो ध्यान दो, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, इसको हम सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट भी कहते हैं। अगर आपको याद हो कि सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, हम लोग 11th में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट, तो सर्कल का इक्वेशन पढ़ते हैं। सर्कल का इक्वेशन जैसे इसका रेडियस ए है, है ना, इसका रेडियस ए है और इसका सेंटर जीरो जीरो है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ते हैं ना। तो वहां पर अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट क्या है, तो हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। ये बात याद कर लो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो है वो वही सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। इस बात को दिमाग में बैठा लो क्योंकि ये इक्वेशन कई जगह हमको लिखना पड़ता है। अच्छा, अब पी पी वन डिस्टेंस हमको चाहिए होगा, समझिए, तो पी पी वन देखो निकालते हैं, यहां तक लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले, ठीक है, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले, पी पी वन देखो बेटा हम लोग डिस्टेंस यहां पर निकालेंगे, ठीक है, देखो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो मिटा देते हैं इसको, मिटा दिया जाए, क्या किया जाए, इसको चलो मिटा देते हैं, इसकी जरूरत अब शायद नहीं पड़ेगी, हाँ इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, इस डायग्राम को मिटा देते हैं, ये सब भी मिटा देते हैं यहां से, इसको केवल रखते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो बच्चों, इस पी पी वन को निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखो इसको ध्यान दो, ए पी वन पी, इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लें। तुम कहोगे सर ये कैसे हुआ, अरे भाई ये मानते हुए कि ये डिस्टेंसेस बहुत छोटी हैं, ए पी वन बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो उसको आर्क ना मान के हम एक स्ट्रेट लाइन मान लें, है ना, और ये ए पी भी ये मानते हुए कि डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो उसको आर्क ना मान के हम स्ट्रेट लाइन मान लें। तो ए पी वन पी को हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं, मतलब अपना काम निकालने के लिए बेटा कई जगह ये करना पड़ता है, ए पी वन पी को हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लें, ठीक है, अपना काम निकालने के लिए, इक्वेशन को निकालने के लिए। अब भाई से मेरी गलती नहीं कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल मान ना हूँ, जिस मैथमेटिशियन ने पहली बार इसको निकाला होगा उसने ऐसे किया था भाई, तो मजबूरी हम क्या करें, वरना निकलेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो बेटा एजम्पशन करके चलना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो अब कॉस अल्फा क्या होगा, बेस यानी कि पी पी वन अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए पी, ऐसा देखो हमने यहां पर कॉस अल्फा को लिखा, ठीक है, कॉस अल्फा क्या हो गया, पी पी वन अपॉन ए पी, देखो यहां से पी पी वन क्या आ गया, ए पी कॉस अल्फा, ए पी कॉस अल्फा, ठीक है, ये आ गया ए पी कॉस अल्फा। अब देखो बच्चों यहां पर ध्यान दो, इस ए पी को मैं मान लेता हूं, ए पी को मैं एस मान लेता हूं, एस लेट आर्क की लेंथ है ना, ये मैंने इसको एस मान लिया, तो ये हो गया एस कॉस अल्फा। तो देखो बच्चों जो पी है ना, पी इसका कोऑर्डिनेट हो गया ओ एन यानी कि ए कॉस थीटा ए साइन थीटा और पी पी वन यानी कि एस कॉस अल्फा। इसी को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू आई कैप, ठीक है, और प्लस ए साइन थीटा इंटू जे कैप प्लस एस कॉस अल्फा इंटू के कैप। तो इसको हम कई बार हेलिक्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मानते हैं। अब देखो जरा इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं अभी। अब देखो एस कॉस अल्फा को हम लोग थोड़ा सा अभी और सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो बच्चों ध्यान दो,
इस एस कॉस अल्फा को अभी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। एस हमने क्या माना है, एस हमने माना है एपी, है ना, एपी को बच्चों हमने एस माना है। ठीक है, देखो इसी ट्रायंगल में अगर हम यूज करें, है ना, देखो हमने यहां पर पीपी वन की वैल्यू निकाली थी, और इस ट्रायंगल में देखो बेटा अगर हम यूज करें साइन अल्फा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एपी वन और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा एपी। तो साइन अल्फा बराबर हो गया एपी वन अपॉन एपी, एपी को हमने एस माना हुआ है, तो यहां से एस की वैल्यू हो जाएगी एपी वन अपॉन साइन अल्फा, यानी कि एपी वन, ठीक है, तो यहां से हाँ एपी वन, ठीक है, एपी वन वन बाई साइन अल्फा क्या हो जाएगा कॉसेक अल्फा। और देखो ध्यान दो, ये जो एपी वन है ना एपी, ये सर्कल के आर्क की लेंथ है, और जबकि इसका सेंटर पर एंगल थीटा है, तो सर्कल के आर्क की जो लेंथ होती है वो होता है रेडियस इंटू एंगल एट सेंटर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू थीटा, थीटा यहाँ पर रेडियन में है, ये आपने पढ़ा होगा आर्क की लेंथ का फार्मूला। जैसे कि मान लो आपके पास ये सर्कल है, ये लेंथ मान लो आपके पास एल है, और ये रेडियस अगर आर है आपकी तो ये भी आर होगी, ये एंगल थीटा है, तो एल इक्वल टू क्या होता है आर थीटा, जहां पर थीटा हमेशा किसमें होता है रेडियन में, ये आपने पढ़ा होगा आर्क लेंथ बराबर आर इंटू थीटा होता है। तो वैसे ही ये एपी वन जो है ना, ये उस सर्कल बेस जो है ना, बेस उसकी आर्क की लेंथ है, और ये रेडियस इसका ए है, और उसका सेंटर पर एंगल थीटा है, तो इसको ए थीटा लिख सकते, थीटा यहाँ पर रेडियन में माना गया, ये फार्मूला तभी जब थीटा रेडियन में होता है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो हमने एपी वन, अब देखो एपी वन की ये वैल्यू ए थीटा यहाँ रख दें, तो ए थीटा और कॉसेक अल्फा, तो ये देखो यहाँ पर एस की वैल्यू अगर रखी जाए, एस की ये वैल्यू यहाँ रखी जाए, तो देखो यही बन जाएगा ए कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस ए साइन थीटा इंटू जे कैप। और देखो एस की ये वैल्यू यहाँ जब आप रखोगे, एस की ये वैल्यू यहाँ रखोगे बेटा, ये देखो एस की ये वैल्यू यहाँ रखोगे, तो कॉसेक को वन बाई साइन लिख देंगे, तो हो जाएगा ए थीटा कॉट अल्फा, क्योंकि ये कॉस है, और कॉसेक को लिख देंगे वन बाई साइन, है ना, तो कॉस अपॉन वन बाई साइन, तो कॉट हो जाएगा, और ये ए थीटा आ जाएगा, और देखो ये हो जाएगा के कैप। तो इसको हम बेटा मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, और ये इक्वेशन है जनरल हेलिक्स का, मतलब इसको हम जनरल हेलिक्स का इक्वेशन मानते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए पैराबोलिक हेलिक्स आएगा तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और ये सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन माना जाता है, नीचे वाला सर्कुलर हेलिक्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये नीचे वाला माना जाता है, ध्यान रखना, जहां पर ये वाला और ये वाला ये सर्कल के पैरामीट्रिक पॉइंट हो गए, और पी पी वन की डिस्टेंस एस कॉस अल्फा है, ये एस कॉस अल्फा जनरली बहुत सारे केसेस में आता है, इसलिए ये एस कॉस अल्फा का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया पहले। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये निकाल सकता था, एस कॉस अल्फा को मैं पिक्चर में लाता ही नहीं, क्योंकि एस कॉस अल्फा की जरूरत पड़ती है कई जगह पर आगे, इसलिए एस कॉस अल्फा को पिक्चर में लाया। तो ये हेलिस का जनरल इक्वेशन है, और ये सर्कुलर हेलिस का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसको हम याद रखें, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा इस सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट होता है, ध्यान रखना सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट होता है क्या, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, इसी में आई से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें जे से कर दिया, इसमें के कर दिया, ये पॉइंट है और ये उसका अपना पोजिशन वेक्टर है ना, जनरल पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, इसी को हम कर्व की इक्वेशन कहते हैं, है ना, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में इसी को हम कर्व की इक्वेशन कहते हैं। ये अपना पॉइंट हो गया जनरल पॉइंट, और इसमें आई से जे से के से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जनरल पॉइंट का अपना पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो यही जनरल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, इसी को ही हम कर्व की इक्वेशन कहते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। तो ध्यान रखना सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन बेटा ये आ गया ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ए थीटा कॉट अल्फा। थीटा क्या है, थीटा है ए पी वन का सेंटर पर बनने वाला एंगल, और अल्फा क्या है, अल्फा है हेलिक्स का जनरेटर के साथ में एंगल जो कांस्टेंट होता है, बात समझे ना। तो ये इक्वेशन हमारे काम आता है, और ये आपके यहाँ प्रूव करने को भी आ सकता है कि सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन प्रूव करके बताइए कि ऐसा होता है, ये आ सकता है। ये ध्यान रखो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा और एस कॉस अल्फा, अगर तीसरा कोऑर्डिनेट ध्यान रहे तो अच्छा है,
क्योंकि ये तो सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट है, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एस कॉस अल्फा, ये भी कई जगह यूज होता है। ठीक है बच्चों, लिखो जरा ध्यान से बेटा इसको, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने ये अपना सर्कुलर हेलिक्स के इक्वेशन को निकाला, इसका अभी हम कुछ क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। हालांकि अभी हम लोग पैराबोलिक हेलिक्स भी एक दो क्वेश्चन उसके भी करेंगे, जिससे कि वो भी सब इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार। तो बेटा मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए, कुछ छोड़ूंगा नहीं, है ना, बीच बीच में नहीं पढ़ाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें। थोड़ा टाइम लग सकता है, और फिर क्या होता है जब बच्चा बेसिक पढ़ लेता है ना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे बेटा मुझसे किताब पूछते हैं, सर किस किताब से क्वेश्चन करें। तो बेटा ऐसा है ना कि मैं भी कोई एक किताब से कभी कंसर्न नहीं करता हूँ, बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं एक किताब नहीं बता सकता आपको किस किताब से आप क्वेश्चन करिए, है ना। तो आप लेकिन जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ना, उसको पढ़िए, उसके बाद फिर हर किताब का आपको समझ में आने लगेगा, बस यही इंपॉर्टेंट है। पहले बेसिक पढ़िए, फिर कोई भी किताब आप उठाएंगे उस किताब का आपको डिटेल से अपने आप ही समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, बच्चे को बुक का समझ में आने लग जाए, लेकिन बेसिक क्लियर करने के लिए बेटा जरूरत पड़ती है कि आप पहले वीडियोस को देखिए। आप सीधे सीधे किताब उठाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जब मैं लिंक बता दूंगा, लिंक से मतलब मैं चीज़ों को रिलेट कर दूंगा, देखो ये ऐसे आया है, तो फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, दिल से पढ़ते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।